हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईआईटी जेम 2005 मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लेट वाई बराबर एक्स एफ एक्स बी अ स्मूथ कर्व सच दैट 0 <f(x)= k फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एंड एल बराबर जो है एल जो क्या है लेंथ ऑफ द कर्व बिटवीन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी और ए क्या है ए बराबर जो है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स बराबर ए एंड वाई बराबर बी यानी इन लाइन से जो बाउंडेड कर्व है वो ए है और एस जो है वो है हमारे पास एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। अगर जब जो कर्व है उसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाया जाए रिवॉल्व किया जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एरिया बनता है वो है हमारे पास रिवॉल्विंग द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर वाई विद देन हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं पहले हमारे पास जो गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है एल बराबर जो है लेंथ ऑफ कर्व बिटवीन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी ये इसके बीच में जो एल है वो लेंथ है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे y की जगह क्या होगा फ्रेंड्स हमारे पास एफ एक्स होगा क्योंकि y बराबर एफ एक्स था कंडीशन में हमारे पास y बराबर एफ एक्स था तो y की जगह एफ एक्स होगा। तो इस तरह से l बराबर की ये फॉर्मूला हो गया। a बराबर क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x एक्सिस एंड द लाइन। तो एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का इस तरह से निकलेगा हमारे पास a टू b एफ एक्स ऑफ dx यानी इंटीग्रेशन इसका ये हमारे पास एरिया होगा। एंड एस क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व अबाउट एक्सिस बिटवीन एक्स बराबर ए टू बी। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास ए टू बी टू पाई और यहाँ पे वाई रूट सॉरी वन प्लस रूट ऑफ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है कि हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये कंडीशन है हमारे पास तो यहाँ पे वाई जो है ये क्या दे रखा है हमारे पास जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग 0 <f(x)= k। तो y बराबर एफ एक्स है तो y की जगह हम लेस जो y भी है वो भी लेस देन k होगा लेस देन इक्वल टू k होगा। तो हमारे पास ये हो गया यहाँ से ये जो टर्म थी इस टर्म के अकॉर्डिंग 2πy a टू b रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स ये जो टर्म है ये होगी हमारे पास लेस देन ए टू बी टू पाई के क्योंकि के जो है वो वाई से बड़ा है जो कि गिवन कंडीशन में थी और ये हो गया हमारे पास वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे पास। अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये क्या है 2πk तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ये इस टर्म को तो ये 2πk और ये हो गए ये तो कांस्टेंट था a टू b 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो ये अगर देखें तो ये है हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास s जो है ये s था s जो है वो लेस देन 2πkl। तो एक कंडीशन हमारे ये पास हमारे पास आ चुकी है जो s है वो लेस देन है 2πkl। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास। अब फिर सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम s जो है s क्या है जो है वो हमारे पास जो कर्व है उसको हम रोटेट कर रहे हैं उसके बाद तो वो सिंपली एरिया है उससे बड़ा होगा। तो ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गया एस ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी टू पाई बाई डी वाई अपॉन सॉरी डी एक्स डी एक्स टू पाई डी वाई अपॉन डी वाई डी एक्स ये हो गया हमारे पास एस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू पाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास बराबर 2πa टू बी वाई ऑफ डी एक्स। तो ये क्या है हमारे पास एरिया है
तो यहाँ से हुए एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2π a। तो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस आ चुके हैं, जो एस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2π a है और एस जो है लेस देन इक्वल टू 2π kL है। तो हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं 2π a सबसे छोटा है, उसके बाद एस है, उसके बाद लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन है 2π kL। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन में देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है। 2π kL स्ट्रिक्टली लेस देन, ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। एस लेस देन इक्वल टू एस जो 2π kA, ये ऑप्शन जो सी ऑप्शन है फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2π a लेस देन एस लेस देन 2π kL, तो ये इसका ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस तरह सी इसका जो आंसर है वो करेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स।